शादी वाले घर में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं सुबह तो नहीं हुई है क्योंकि यहाँ सर्दी है तो हम लोग यहाँ पर लेट उठते हैं, इसलिए आज मैं भी लेट उठी हूँ। तो मेरा लेट एक्चुअली साढ़े आठ होता है, 8:30, तो 8:30 पर मैं उठी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रात को ये सब तैयारियाँ हुई थी। आज शादी है ना, शादी के लिए लॉज में जाना होगा और यहाँ पे सब बहुत भागा दौड़ी में यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, इसलिए अगर आप इनमें से किसी से ही बात करेंगे तो इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इनको व्लॉग को में लेके डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये दिन काफ़ी अच्छा होता है एक्चुअली, क्योंकि आज के दिन सब लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं शादी में जाने की, तो आज ज़्यादा काम नहीं होते, बस लड़की के होते हैं और जितना भी वर्क होता है उस सब के होते हैं। और कल भी काफ़ी मज़ा आया, कल हम लोगों के यहाँ पर इसी प्लेस पर, ये जो आप पीछे प्लेस देख रहे हो ना, ये इसमें लेडी संगीत हुआ था। कल यहाँ पर इस जगह पर हमारे फंक्शंस हुए थे। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा हल्दी मेहंदी संगीत ये फंक्शन होते हैं, तो ये जो सेट बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हुई थी हल्दी का फंक्शन, नहीं सॉरी यहाँ मेहंदी का फंक्शन हुआ था। तो ग्रीन थीम है ना इस वजह से, तो ये इसमें यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम का फोटो है। ये मैंडेटरी नहीं है, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, और ये इन्होंने मतलब एक पूरे साइड में एक ऐसा कॉर्नर बना दिया जहाँ पे ये ऐसे फंक्शन के लिए किया। उसके बाद यहाँ पर ये आप पीछे जो स्टेज देख रहे हो, इसका डेकोरेशन टूट चुका है क्योंकि कल हमने इतना डांस किया, सब कुछ टूट टूट के गिरने लग गया। सो यहाँ पर ये जो आप पीछे स्टेज देख रहे हो ना, दिस इज़ फॉर लेडीज संगीत, इन दिस वी विल डांस, वी विल, हालांकि इतना हम लोग एडिकेट्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं करते हैं, या कह दो पैम्पर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ भी नाचे यहाँ भी डांस किया हमने, नाचे मतलब डांस मलयालम में क्या बोलते हैं दैट आई डोंट नो, तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बोलते हैं डांस करने को मलयालम में। और हाँ, ये जो आप सेट देख रहे हो एक कॉर्नर पे, ये है हल्दी का सेट। जब हल्दी हुई थी तो यहाँ पर चेयर्स वगैरह लग रही थी और यहाँ से हम लोगों ने पूरा फंक्शन किया था। मतलब हम लोग थीम रखते हैं, हल्दी वाले दिन ऑल येलो, मेहंदी वाले दिन ऑल ग्रीन, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हो, इट्स जस्ट फॉर फन कि मतलब सब एक से लगें, थोड़ा अच्छा थीम हो, उस सब के लिए ऐसा किया जाता है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट दैट इट इज़ मैंडेटरी और नॉट। हमारे यहाँ पर दुल्हनों का बाहर निकलना मना होता है, और हमारी ये जो दुल्हन है ये अपने डॉगियों को घुमाती हैं, और इन पे किसी रूल का मतलब ही नहीं पड़ता। इनको फिर घर वाले समझाते हैं कि बेटा कल तुम्हारी शादी है, इनकी आज ही शादी है वैसे, इनको समझा आज आपकी शादी है, ऐसी हरकतें ना करें। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी में लड़कियाँ काम करती हैं, और ये काम करने में इतनी स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस कि कुछ गर्ल्स होती हैं काफ़ी बहुत मतलब एक्टिव होती हैं, ये उनमें से है, शी इज़ वेरी मच एक्टिव। तो अब हमारे यहाँ जब लड़की की शादी हो रही होती है तब उससे कोई भी काम नहीं कराया जाता, और उसके अगले दिन से चाहे तुम पूरे देश का काम लो तो ये किसी भी डॉग लवर हूँ तो मुझे डॉग्स का खाना देना वगैरह सब मेरे को ध्यान, मेरा एक डॉग भी ऊपर है, हाँ मिलाना उससे भी। हाँ, और इनकी शादी हो रही है, आप जैसे ये स्टेट्स की चीज़ देखिए, मैं यूपी से हूँ और अब मैं केरला में रह रही हूँ, ये राजस्थान स्टेट से है, इनकी शादी यूपी में हो रही है, लेकिन मेरी सिटी से नहीं, लखनऊ से। नाउ शी इज़ इन द कैपिटल ऑफ राजस्थान, दैट इज़ जयपुर। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड शी विल बी लिविंग इन कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अच्छा है ना, लड़कियों के लिए ये आउटिंग हो जाती है लेकिन ये आउटिंग ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है, इनको जाना नहीं है। इनका प्लान आज ये कुछ ऐसा है कि शादी वाले दिन भागना चाहती हैं, ये सोच रही हैं लहंगे के नीचे स्पोर्ट्स शूज़ डाल के और बाहर कोई लेने आ जाए और ये निकल लें।
बहुत डर लगता है, बहुत नर्वस फील होता है सच। गर्ल्स की फीलिंग गर्ल्स ही जान सकती हैं, बॉयज के लिए तो ये मोमेंट होता ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा राइट। एनीवे लेकिन इनके जितने भी फंक्शंस थे उन सब का प्लान, मैनेजमेंट और ये सारी डेकोर जो भी मैंने आपको दिखाया ये सब इन्होंने किया था। शी इज़ वेरी मच क्रिएटिव। अपनी मेहंदी दिखाइए, इन्होंने जो मेहंदी अपनी बनवाई है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट से बनवाई है, और ये मेहंदी का डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है, आप सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है मेहंदी, तो काफ़ी अच्छी है इस हिसाब से। अगर हम सब लोग अपने कल्चर को मेंटेन करते हैं तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ हम एक स्टेट में रह रहे हैं, एक सिटी में रह रहे हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेशन होता है, तो वही डेडिकेशन केरला में भी हम लोग फॉलो करते हैं, जयपुर में भी, और यूपी में कुछ कुछ होता है बस। खींचेगा नहीं एक पूरी खुले पड़ेगी नोटिस की वो सारी सब। हम लोग अब हाथ में जो बांधने जा रहे हैं ये यहाँ पे जब शादी होती है ना सबके बनता है। मामी जी ये क्यों बांधा जाता है? शादी होती है तो ये हमारे यहाँ बांधना शुभ माना जाता है, इसलिए पता चलता है कि हम किसी मैरिज को अटेंड कर रहे हैं। ओ मतलब ये आपके लिए ये एफिडेविट है। तो ये मैं भी बनवा रही हूँ क्योंकि मैं भी शादी में आई हूँ, पता चला इसके बिना मुझे एंट्री नहीं मिली। तो हेलो एवरीवन, आप सबको मैं ऐसे मिल रही हूँ इस समय क्योंकि मैं सबसे लेट हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, सो नेग्लेक्ट दिस। और अभी मेरे और मेरे भाई हैं जो पूरे घर की लॉकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करते करते काम। भाई हैं जो हीरो बन के पूरे घर के ताले लगा रहे हैं और हम अपने कन्हैया जी को राधे राधे बोल के चलते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, ये मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ पर मेरा लुक इसमें दिखेगा नहीं, बट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है, सब पहुँच चुके हैं, और क्योंकि दुल्हन के भाई और बहन यहाँ पे हैं इसलिए हम लोगों को टाइम से पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी लेट। और मेरे भाई के देख सकते हैं ये सारा काम संभाल रहे हैं, सारा काम संभालने के साथ साथ पूरे घर के ताले लगा रहे हैं, और इनको इतना भी टाइम नहीं है कि व्लॉग को देख सकें क्योंकि बहुत काम है इनके पास। पूरा घर ऑलमोस्ट हम लॉक कर चुके हैं, इतना ये घर इतना बड़ा है ना कि इसमें शायद ही इनका आठवां लॉक लग रहा है, और आठ लॉक लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं शादी के लिए। जो वेन्यू है वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो इस वजह से हम लोगों को लेट हो रहा है। और हमारे यहाँ जो बारात आती है मतलब जो दूल्हा की एंट्री होती है वो हो चुकी है, और जिसमें भाई का होना बहुत ज़रूरी है और बहन का भी होना ज़रूरी है क्योंकि एंट्रेंस वही कराते हैं, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू रीच ऑन टाइम, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। एनी वेज मेरा भाई लाइट बंद कर चुका है, वापस चालू कर दिए, तो अभी हम लोग चलते हैं। स्वेटर वगैरह सब ले लिए हैं, सर्दी बहुत है यहाँ पे, लेकिन जब बात आती है कहीं शादी में जाने की तो सर्दी नहीं लगती है। हाँ लड़कियों को सर्दी नहीं लगती है, और हम अभी अंधेरे में आ चुके हैं जिसमें कि मेरा नेक लेस बहुत चमक रहा है। मेरा भाई अब मेन गेट लगा रहा है। हम दोनों कितने रेस्पॉन्सिबल भाई बहन हैं, दुल्हन तैयार हो रही है और भाई और बहन पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, ऐसे भाई बहन आपने कहीं देखे हैं? अब देख लीजिए। अब यहाँ पे बारात आ चुकी है, ये पीछे बारात की है, ये दीदी है, सब पिंक पिंक दिख रहे हैं आपको, ये मेरी पूरी फैमिली यहाँ बारात का स्वागत कर रही है, और ये पीछे बारात आ रही है। तो अब हम बारात का स्वागत करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अंदर, और मेरी मामी जी से भी मिलिए, और मेरे मामा जी से भी मिलिए, हमारी शाहरुख आ चुके हैं दुल्हन के रूप में, आप सब देख सकते हैं। हाँ ये ब्लॉग बना।
तो अब दुल्हन ज़्यादा बात नहीं कर सकती है, इसलिए हमें उसको जाने देना चाहिए क्योंकि ये हो रहा है मुहूर्त का टाइम। सो बाय। नॉर्थ में मोस्टली ऐसा होता है, हमारे यहाँ टिपिकली वेडिंग्स जो होती हैं वो होती हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, जिसमें क्या होता है काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन अपने ऊपर है, आप जैसे चाहते हो वैसी वेडिंग कर सकते हो, बट ये एक टिपिकल बिग फैट इंडियन वेडिंग है जो हम लोग यहाँ पर आज अटेंड कर रहे हैं। और राजस्थान का कल्चर अलग है, इसलिए राजस्थान हर चीज़ अलग तरीके से की जा रही है, यूपी में अलग तरीके से होती है, जैसे कि केरला में अलग तरीके से होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स। सो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा ये मैंने इन सबको कंडीशन दी है कि इनको मलयालम में आपको बाय बोलना है। बोलो शेरी। शेरी का मतलब बाय नहीं होता, गूगल ट्रांसलेट पे नहीं मिलेगा। अरे जूते दो पैसे, देखो लक्ष्मी का नाता नहीं करते। ये था हमारा शादी का व्लॉग। आपने आज जो भी कुछ देखा वो एक टिपिकल वेडिंग थी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में फॉलो होती है, बस थोड़े थोड़े रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती हैं, वरमाला फेरे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और उनके रिलीजन्स फॉलो होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड शेरी।